हेलो एवरीवन, आज आप लोगों के सामने एक नया टाइप्स का फ्लावर सिखाने जा रहा हूँ। देखिए, इसके लिए क्रश पेपर, फेविकॉल, सीजर, वायर, पिप्स, इस प्रकार हैं। इन सभी को मिलाकर एक फ्लावर बनाएंगे। इसके लिए पहले पेपर पेपर को लंबा इस तरह कटिंग कर लेते हैं। इस तरह कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद इसके पेपर को इस तरह टुकड़ा टुकड़ा कर लेंगे। इस टुकड़ा करने के बाद इस तरह फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इस तरह कटिंग करते हैं। इस तरह आइए, इस तरह। उसके बाद देखिए, एक जिग जैग कैंची है। जिग जैग कैंची से इस तरह कटिंग कर लेते हैं। इस तरह काट लेते हैं। इस प्रकार ये फ्लावर्स का कटिंग हो गया। उसको वायर लेंगे, एक वायर लेंगे। इस प्रकार लेने बाद इसमें इसे पिप्स पिप्स को इस तरह इसमें रखकर हल्का सा थोड़ा सा फैब्रिक को लगा लेते हैं। फैब्रिक को लगाने के बाद धागा से इसमें बांध फोल्ड कर देते हैं इस तरह। अच्छी तरह से बांधना है कि खुले नहीं, इस प्रकार से। उसके बाद इस तरह ये हो गया, इस तरह करना है, इस तरह ये इस तरह बना देना है। उसके बाद थोड़ा फेविकॉल लगाकर इस तरह इसके इसमें इस पोर्शन में इस तरह लगा देना है। इस तरह लगाएंगे, एक लगाएंगे, उसके बाद सेकंड, इस तरह लगाना है। धीरे धीरे वन बाय वन इस प्रकार से बनाते जाएंगे। फेविकोल को अच्छी तरह से लगाना है। फेविकोल को अच्छी तरह से लगाने से फ्लावर जो है अच्छी तरह से चिपकता है और अच्छा बनता है। इस तरह देखिए, देखिए इसको आराम से धीरे से इस तरह फोल्ड करना है। वन बाई वन इस तरह ये फ्लावर को चिपकाते जाएंगे। थोड़ा ध्यान देना है कि थोड़ा डाउन होते जाएगा। डाउन इस तरह करना है, डाउन करते जाना है फ्लावर को। देखिए पंखुड़ी को, देखिए इस तरह। इस प्रकार बनेगा। इस तरह
इस तरह देना है। ये छोटा सा ये फ्लावर इसे नीचे पोर्शन के लिए थोड़ा सा हल्का कटिंग कर लेते हैं, इस तरह कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद इसमें क्या होता है, ये चिपकाने में सुविधा होता है इस प्रकार से, इस प्रकार चिपकाने में सुविधा होता है। इस पर ये भी इस प्रकार देते जाएंगे। उसके बाद ग्रीन का पेपर कटिंग कर लेते हैं। ग्रीन के लिए कटिंग करने के लिए थोड़ा तिरछा देखिए आप इस तरह, इस तरह कटिंग कर लेना है, इस तरह कटिंग कर लेना है। उसके बाद और भी कटिंग, उसके बाद इसमें फेविकोल लगा लेना है इधर, इसमें भी इसे नीचे इस तरह, इस तरह हल्का हल्का दबा दबा कर चिपका देना है। इस तरह इस तरह चिपका देना है। उसके बाद लीफ के लिए कटिंग करते हैं। लीफ के लिए देखिए तिरछा काटना है, इस तरह तिरछा काटना है, इस तरह। उसके बाद इस ये भी कटिंग कर लेते हैं, दो लीफ का कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ा और एक और पत्ता लगा लीफ लगा देते हैं, इस तरह कटिंग कर देते हैं इस तरह। उसके बाद इसमें भी फेविकोल लगाते हैं। फेविकोल लगाने के बाद इसको इस तरह इसमें फोल्ड कर देते हैं इस तरह, इस तरह। इस प्रकार ये फ्लावर रेडी हो गया, तैयार हो गया। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।